मैं आज त्रस्त हो गया हूँ। जो जांच के लिए भी देते हैं तो वही जो दोषी हैं उन्हीं को जांच के लिए भी देते हैं और उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का जिस दिन सभा लगेगा उस दिन मैं आत्मदाह अपने परिवार के साथ करने जाऊंगा। तस्वीरों में नजर आ रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता है जिसका नाम दूधनाथ यादव है। दूधनाथ का आरोप है कि उसकी निजी जमीन के पास शासकीय भूमि थी जिसे पटवारी ने फर्जी तरीके से स्थानांतरित कर दिया। अब अपनी जमीन तक पहुंचने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। दूधनाथ के मुताबिक वो खुद कांग्रेस कमेटी का एक कार्यकर्ता है, अब खुद अपनी ही पार्टी की सरकार के सामने आत्मदाह करने को मजबूर हो चुका है। वो आत्मदाह के लिए मैं ज्ञापन देने आया हूँ मजबूर होकर कि मेरा आज तक 2019 से आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। और जो मैंने मेरा रास्ते का मैटर है जो सरकारी ज़मीन था जो कि अजीत अग्रवाल के द्वारा सरकारी ज़मीन को उसके निजी पार्टी की ज़मीन में नाक्सा को छेड़छाड़ करके दे दिए हैं। ग्राम पंचायत चाचीडांड है, उप तहसील डांड करवा का मामला है प्रतापपुर क्षेत्र का। ये यहाँ तहसीलदार के यहाँ किया हूँ, SDM साहब के यहाँ किया हूँ, कई बार जन दर्शन वगैरह में भी दिया हूँ, ग्राम पंचायत की प्रस्ताव भी है कलेक्टर महोदय को भी दिया हूँ, कमिश्नर महोदय को भी दिया हूँ। जो कि मैं आज त्रस्त हो गया हूँ। जो जांच के लिए भी देते हैं तो वही जो दोषी हैं उन्हीं को जांच के लिए भी देते हैं और उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। मुख्यमंत्री जी का जिस दिन सभा लगेगा उस दिन मैं आत्मदाह अपने परिवार के साथ करने गया हूँ। वहीं आत्मदाह की अनुमति मांगने वाले आवेदन पर जिला कलेक्टर ने कहा कि इस मामले में उन्हें कोई जानकारी नहीं है, जल्द ही पीड़ित से बात करके इसे सुलझाएंगे। कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता प्रतापपुर विधानसभा में मुख्यमंत्री की सभा के सामने परिवार समेत आत्मदाह की अनुमति मांगा है आपके द्वारा प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से। अच्छा, ये अभी तक मेरे संज्ञान में नहीं था, आप लोग कह रहे हैं बाहर में खड़े हैं तो अभी हम जरूर उनसे चर्चा करेंगे क्या इशू है। आने वाले दो दिनों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऐसी ही समस्याओं को जानने के लिए सूरजपुर प्रवास पर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि जिला प्रशासन इनसे निपटने के लिए क्या कुछ कदम उठाता है। पंजाब केसरी TV के लिए विष्णु कसेरा की खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।